दोस्तों क्या आपको पता है प्राचीन काल में लोग रात के समय दिशा का पता कैसे लगाते थे? उस समय दिशा का पता लगाने के लिए लोग तारों की सहायता लेते थे। ध्रुव तारे का नाम तो आपने सुना ही होगा। दोस्तों यह तारा हमेशा उत्तर दिशा में एक ही स्थान पर रहता है और इसकी स्थिति को देखकर उत्तर दिशा और उसके अनुसार बाकी दिशाओं का पता चल जाता था। आज भी हम चाहें तो इसे पहचान सकते हैं। आसमान में सप्तर्षि तारामंडल को तो आप जानते ही होंगे। ये एक चम्मच की आकृति जैसा होता है। इसके आगे के दो संकेतक तारों को एक सीध में मिलाते हुए अगर एक काल्पनिक रेखा खींची जाए और उसे आगे की ओर बढ़ाते जाएं, तो यह ध्रुव तारे की ओर संकेत करती है।